नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी मेरे प्यारे साथियों को। गुड मॉर्निंग, मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर टारगेट विथ बलराम स्वामी पर राजस्थान के इतिहास में शिरोमणि इतिहास मेवाड़ के पार्ट नंबर 2 को लेकर, और वैसे क्लास नंबर 3 रहेगी क्योंकि पहली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ प्राचीन महाभारतकालीन नामकरण देखा था कि किस प्रदेश को किस नाम से जानते थे और मेवाड़ की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। हाँ दोस्तों, आप मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँगा, बाद में दूंगा, क्योंकि अभी मेरे को एक बार आपको अच्छे तरीके से क्लास समझानी है। आप देखते रहो, कमेंट करते रहो, मैं हर स्टूडेंट हर मेरे साथी का आंसर जरूर दूंगा। ठीक दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में। कौन सा रावल है? बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल से पहले हमने पढ़ा था गुहिल को, कि गुहिल जो है वो मेवाड़ राजवंश का क्या था, संस्थापक था, उसने स्थापना की थी। लेकिन हम बप्पा रावल को पढ़ने जा रहे हैं। बप्पा रावल कौन है? बप्पा रावल गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है। बप्पा रावल से पहले कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, तो एक था शिलादित्य। अब शिलादित्य कहाँ था? वल्बी के अंदर, वल्बी गुजरात में पड़ता है। और शिलादित्य के बाद की मैं बात करूं तो बाद में था कौन सा? गुहिल, तो मैं कह देता हूं गुहादित्य। और गुहादित्य के बाद में तीन नंबर कौन सा आता है? नागादित्य। अब चौथा आता है कौन सा? चारस्मादित्य। कौन सा दित्य है ये? ये है चारस्मादित्य। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे। ये शिलादित्य, गुहादित्य, गुहिल को गुहादित्य कहते हैं, जिसने 566 ईस्वी के अंदर क्या किया था कि वल्बी से था, गुफा में जन्म हुआ था, और इसी कारण इसने क्या किया साथियों, कि इसने गुहिल वंश की स्थापना की। उसके बाद नागादित्य था, ये 636 से लेकर 646 तक रहा, लेकिन ये इतना इतिहास में अमर नहीं हो पाया। बहुत अच्छा हुआ आपके लिए समस्या नहीं बना। हाँ गुड मॉर्निंग साथियों। अब आया चारस्मादित्य। तो गुरु जी हम तो बप्पा रावल को पढ़ रहे हैं। हाँ, बप्पा रावल के ही नाम क्या है? चारस्मादित्य, एक उपाधि दी गई है इसको। अब देखिए हम बप्पा रावल, बप्पा रावल का समय काल आता है 733 ईस्वी से लेकर ये आता है 753 ईस्वी। 733 से 753 ईस्वी में गुजरात में हमें जो बंदा मिलता है वो बप्पा रावल है साथियों। अब देखो कि बप्पा रावल के करियो, बप्पा रावल से संबंधित कौन से मत है इम्पोर्टेंट। अब देखिए हम सबसे पहले मत देखेंगे और कि बप्पा रावल से संबंधित कौन कौन से मत है, अति इम्पोर्टेंट मत है। ये मत क्या है कि आप याद रखना कि आस, मेरे को आपसे आस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करो, ताकि जो लॉकडाउन के अंदर समय का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी भी सदुपयोग करें और हमारी क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा वो फायदा उठाएं। आस रखूं क्या? आस रखूं मैं आपको, आपसे आस रखूं? तो देखो दोस्तों, आस रखूं तो आप पर क्या है? आप पर एक आता है आबू और अभिलेख। कौन सा अभिलेख आता है? आबू अभिलेख। आबू अभिलेख के बाद यहाँ पर आता है क्या? श्यामल दास, कवि श्यामल दास के बारे में लिखा है मैंने यहाँ पर। रह पर क्या आता है दोस्तों? रणकपुर प्रशस्ति आती है। कौन सी प्रशस्ति आती है? रणकपुर की प्रशस्ति आती है। और कूपर कौन सी आती है? कुंभलगढ़। और ये भी क्या है दोस्तों? प्रशस्ति साथियों, ये प्रशस्ति है। तो आस रखूँ मैं आपसे तो आप और आबू अभिलेख, सह पर श्यामल दास, कवि जो है वीर विनोद पुस्तक लिखते हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और इसके अलावा क्या है? रणकपुर प्रशस्ति। अब देखो एक बात याद रखो कि आस रखूं मैं आपसे, आस रखूं आपसे, मुझे पूरा यकीन है, मुझे लो जय दूसरों लगा दिया, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करोगे। मुंह पर क्या है दोस्तों? मुंह पर है आपका मुहणौत, और मुहणौत कौन सा दोस्तों? नैणसी वाला, ठीक है। जेब पर कौन सा है? जेम्स,
और टोड ओ कौन सा जेम्स टोड है, ये दोस्त साथियों कर्नल जेम्स टोड की बात हो रही है। तो अब देखो क्या है, आपू शिलालेख और इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति और इसके अलावा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये सभी लोग क्या कहते हैं, ये सभी लोग मिलके ये कहते हैं कि बप्पा रावल अलग था, बप्पा जो था रावल वो अलग था और ये काल भोज जो था ये क्या था, अलग था। इन दोनों को अलग बताया है किसने, तो याद रखना इन दोनों को अलग बताया है आबू अभिलेख रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इनमें बताया गया है कि अलग था, बप्पा रावल अलग है और कालभोज अलग है। लेकिन कवि श्यामल दास क्या कहता है इनके बारे में, जल्दी कमेंट करो, अभी कमेंट करो, किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, जल्दी लिख के कमेंट करो कि श्यामल दास क्या लिखता है। हाँ राम राम सा साथियों, तो जल्दी कमेंट करो। लेकिन मैं बता दूं मोनोत नैन्सी और जेम्स कर्नल जेम्स टोड क्या लिखते हैं कि कालभोज तो इसका नाम था, क्या नाम था, कालभोज इसका नाम था, लेकिन इसकी उपाधि थी वो कौन सी थी, बप्पा रावल। तो उपाधि हमेशा नाम के आगे लगी रही है, तो हमेशा नाम के आगे लगा रहे हैं उपाधि, हम नाम के पीछे लगा रहे हैं उपाधि, प्रकाश सोलंकी सोलंकी उपाधि पीछे लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे उपाधियां आगे लगाते थे, जैसे बप्पा रावल ने, बप्पा रावल उपाधि थी, किसकी उपाधि थी, ये कालभोज की उपाधि थी। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी, नहीं आई साथियों, तो ठीक है। ये तो नाम नाम के मत है, देखो आबू अभिलेख रणकपुर अभिलेख कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये सारे बोल रहे हैं कि बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग शासक हुए हैं, लेकिन कवि श्यामल दास क्या लिखता है जल्दी कमेंट करो। और मुझे आस रखूं, मुझे आस है आपसे, मैं आस रखूंगा आपसे, मुपुर मोनोद नैन्सी और जेम्स टोड ये कहते हैं कालभोज की उपाधि थी बप्पा रावल। अब देखो और मत क्या है, और मत इधर मैं रखता हूं, याद रखना कि कुकिर और वेद, किस वेद की हम बात करेंगे, कुकिर वेद की बात करेंगे। अब साथियों हम कुकिर वेद की कैसे बात करेंगे, कु पर हम बात करेंगे कुंभलगढ़, और ये भी क्या है, प्रशस्ति है 1460 वाली प्रशस्ति, और 1460 वाली प्रशस्ति महेश लिखता है, महेश 1460 में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखता है। अब इस प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है इस बात पर जानो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये मत देती है कि ये जो मेवाड़ के जो शासक थे ये वत्स गोत्री ब्राह्मण थे, विप्रवंशीय ब्राह्मण थे, कौन से, लिखा है कि वत्स गोत्री ब्राह्मण या फिर विप्रवंशीय ब्राह्मण थे, विप्रवंशीय ब्राह्मण या वत्स गोत्री ब्राह्मण थे, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 वाली में महेश ने लिखा है। अगली कौन सी है, अगली है आपकी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये कब की है, ये भी 1460 की है, ये है अत्री और महेश ने, अत्री और महेश ने इसको लिखा है। अब देखो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अत्री और महेश की है, इसमें क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर कि जो बप्पा रावल था उससे उसके बाद कुंभा जो आता है, बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के जितने भी बीच में आक्रमणकारी थे, बीच में शासक थे, और उन शासकों पर जिसने भी आक्रमण किया उनका वर्णन मिलता है। कब से, तो याद रखना बप्पा रावल से लेकर, बप्पा रावल से कुंभा तक का संघर्ष दिया हुआ है किसके अंदर, तो साथियों ये दिया हुआ है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब देखो र पर हमने पढ़ी लिया क्या, रणकपुर, और ये क्या थी प्रशस्ति। अब ये रणकपुर प्रशस्ति कब की है, ये 1439 की है। रणकपुर प्रशस्ति क्या मत देती है, सिर्फ यही मत देती है कि बप्पा रावल अलग था, कालभोज अलग था। अब देखिए रणकपुर का यदि हम बात करें, रणकपुर पाली में पड़ता है, यहाँ पर आदिनाथ जी का जैन मंदिर है या नहीं, आदिनाथ जी का जैन मंदिर रणकपुर पाली में पड़ता है। रणकपुर को कहते हैं खंभों का अजायब घर, क्यों, क्योंकि 1444 खंभों पर स्थित आदिनाथ का जैन मंदिर रणकपुर का जैन मंदिर है। तो
ये रणकपुर प्रशस्ति थी। ये रणकपुर में आदिनाथ जी का जैन मंदिर था, ये 1444 खंभों पर था और रणकपुर को खंभों का अजायब घर कहते हैं। तो अब मित्रों मेरे पास क्या है, वेद। वेद से याद रखना, वेदनाथ प्रशस्ति। कौन सी? वेदनाथ प्रशस्ति। और वेदनाथ प्रशस्ति ने क्या लिखती है कि एक हरित ऋषि हुआ करता था और हरित ऋषि और ये काल भोज जो था ना, इसका कोई संबंध बताया जा रहा है। हरित ऋषि और काल भोज का कोई संबंध बता रही है वेदनाथ प्रशस्ति। और वेद से के गुरु जी, और वेद से है सी और सी वी वेद। सी वी वेद क्या कहता है कि ये चालसमा द्वितीय है। बिल्कुल राइट दोस्तों, पता चला चालसमा द्वितीय, द्वितीय द्वितीय आ रहे। तो सी वी वेद कहता है चालसमा द्वितीय। वेदनाथ क्या कहता है, हरित ऋषि से संबंध था कालभोज का, कुछ भी हो, बप्पा रावल से लेके कुंभा तक का संघर्ष बताया किसने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ने। और रणकपुर ये बताता है, प्रशस्ति जो है वो बताती है कि बप्पा रावल अलग है, कालभोज अलग है। और कीर्ति स्तंभ बताता है कि ये क्या है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति बताती है वत्स गोत्री या विप्रवंशीय ब्राह्मण थे। जल्दी दोस्तों इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। हाँ ले लिया होगा। देखो कुछ भी नहीं करना है इतिहास में, कुछ बाप का नाम याद रखना है, बाप को नाम याद रखे थे फिर रखो, आस रखें, आस रखो बापू, बापू आस रखण बात में बुझे, मुझे बाप से आस है, फिर के लिखना कुकीर वेद, बस इतना ही याद करना है। ये सारे मत कंप्लीट हो गए, जो आपको कौन सा भी मत दे दे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक दोस्तों, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आपको अच्छा लगा कमेंट करो और शेयर करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि हमारा हौसला और बढ़े और जितने हमारे सामने लाइव होंगे उनको देखकर और भी ज़्यादा हौसला बढ़ेगा कि आपको और ही अच्छे ट्रिक, अब ट्रिकें ही ट्रिकें चलेगी, ट्रिकों की झड़ी लगती रहेगी, देखते रहना। अब तक हमने क्या पढ़ा कि आस रखूं मुझे, और उधर क्या पढ़ा था कुकीर वेद, बस इतना ही पढ़ा हमने। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे उस पर जाइए। अब हम आगे एक चीज़ पढ़ेंगे, वो क्या है, वो हमने पढ़ा कि हमारी एक प्रशस्ति है उसका नाम है वेदनाथ प्रशस्ति। अब इस प्रशस्ति की यदि मैं बात करूं, ये कहती है कि एक हरित नाम से कोई ऋषि था। कौन सा? हरित ऋषि था। और इधर ये काल भोज है, तो हरित ऋषि और काल भोज, काल भोज का संबंध किससे बताया जा रहा है, हरित ऋषि से, कि हरित ऋषि कोई बंदा था और काल भोज ने उस बंदे को देख लिया। कहाँ देखा? बांसों के मध्य है, कोई गांव को नहीं, बांसों के मध्य, बांस पेड़, उन पेड़ों के बीच में इस बंदे को देखा। और काल भोज गया और काल भोज ने दंडवत प्रमाण किया और प्रणाम करने के बाद क्या हुआ कि इसके पास गायें थी और गायें चराने लग गया। कौन? गुरु की गायें चराए काल भोज। काल भोज ने किसकी गायें चराई थी? हरित ऋषि की गायें चराई थी। देखो जब काल भोज ने हरित ऋषि की गायें चराई तो हरित ऋषि ने क्या कर लिया कि काल भोज को क्या बना लिया, अपना शिष्य बना लिया। किसको बना लिया शिष्य दोस्तों? हरित ऋषि ने काल भोज को अपना शिष्य बना लिया। अब जब शिष्य बनाया तो हरित ऋषि क्या करता था, हरित ऋषि के पास एक शिवलिंग था, हरित ऋषि भी शिवलिंग रखे कर, तो इसके पास शिवलिंग था, उसका नाम था एकलिंग, एकलिंग। अब हरित ऋषि के पास ये शिवलिंग है, एकलिंग जी का ये शिवलिंग है, और इस शिवलिंग पर हरित ऋषि क्या करता था, जल चढ़ाया करता था। जब हरित ऋषि इस पर जल चढ़ाता था तो काल भोज ने भी, बताओ फिर, जब जिस चाल गुरु चले उस चाल चले मेरे शिष्य, तो काल भोज उस चाल चलेगा या नहीं चलेगा, दूध चढ़ाने लग गया किस पर, शिवलिंग पर। और चढ़ाते चढ़ाते इसने क्या किया, ये सारा उल्लेख इसने सोने के सिक्के चलाए थे, किसने, बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। उस सिक्कों पर इसने क्या काम किया कि एक तो देखो इसने सूर्य बनवा दिया, बोला ये लो जी ये सूर्य था, हम सूर्यवंशी हैं, ये प्रमाण मैंने देखा था पहले। और दूसरा इसने गाय का चिन्ह बनाया है, ये लो जी गाय का निशान। और इसने ये शिवलिंग बनाया है इसके अंदर,
और इसने एक व्यक्ति भी बनाया है जो कि क्या कर रहा है, जो गुरु और सूर्य को प्रमाण कर रहा है, प्रणाम सूर्य, प्रणाम कर रहा है। किसको प्रणाम कर रहा है? सूर्य और गुरु को। तो वो हो सकता है बप्पा रावल जो सूर्य को, गुरु को और शिवलिंग को प्रणाम कर रहा है, और इसके अलावा हरित ऋषि की गाय चरा रहा है। इस सिक्के के अंदर हमें सारा वेदनाथ प्रशस्ति का उल्लेख मिल गया। देखो मिला। अब देखो क्या हुआ। अब घटना कालबोझ यहां आ गया। लो जी ओ आयो अठे कालबोझ। कालबोझ न अठायो जन के हो, कालबोझ अठायो, लेकिन कालबोझ वो शिवलिंग देखी और वो थी कैलाशपुरी नामक स्थान पर। कौन सी? कैलाशपुरी नामक स्थान पर बस शिवलिंग रखी और भी शिवलिंग के ऊपर के बना दियो मंदिर बना दियो। किण? बप्पा रावल। कद? 8वीं शताब्दी में। ओ लो जी भी शिवलिंग के ऊपर के बना दियो, ओ बना दियो मंदिर, ओ मंदिर कद बनायो? 8वीं शताब्दी। पूछेगा था ने, बस इतो याद रख क्या, 8वीं शताब्दी में। ठीक है, हाँ राम राम साथियों। 8वीं शताब्दी में मंदिर बना दियो। अब कोई भी काम करतो पहली मंदिर में पूजा करतो और फिर हरित ऋषि का प्रणाम करता और फिर सूर्य को भी प्रणाम करता, फिर कोई काम चालतो आगे। अब देखो ठीक है, यहाँ करता करता ओ मंदिर है नहीं। आज यदि आप ऐसे करते करते ये आगे चलता गया सिस्टम, चलता गया चलता गया। फिर क्या हुआ? फिर बोले कि हम तो इनके दीवान हैं। किन के दीवान हैं? हम एकलिंग जी के दीवान हैं। एकलिंग जी हमारे इष्ट देव है, इष्ट देव है। इष्ट देव करता करता आके बना लिया कुल देवता, बना लिया किन है? अन्न बना लिया एकलिंग जी को। एकलिंग जी के दीवान, एकलिंग जी के इनके इष्ट देव, एकलिंग जी इनके कुल देवता थे, बना लिया कुल देवता, कोई टेंशन नहीं। ठीक है साथियों, इस प्रकार इनको क्या बना लिया? कुल देवता। अब देखो क्या हुआ। अब एक और घटना घटी, बता दूं, हाँ इन साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, सागे सागे नोट्स बनाओ। और बहुत ही तरीके से करवा रहा हूँ, तरीकों से चल रहा है, और जब तरीका पास में हो तो हर मंजिल बड़ी नज़दीक होती है, बड़ी पास होती है। तरीका जब पास हो, ठीक है, अर तक कोई दिक्कत को नहीं, अपन मंदिर बना दियो। अब देखो, एक तो थारकन के है कुल देवता, कौन है कुल देवता? तो आपा कन आ गयो कि कुल देवता आंगो एकलिंग जी। किसो लिंग जी? एकलिंग जी आंगा हो गया, इष्ट देव हो गया, कुल देव हो गया। अब एक आवे आंगो आराध्य देव, कौन है आराध्य देव? तो आंगो जी को आराध्य देव है नहीं, वो कौन है? हाँ जल्दी कॉमेंट करो, नहीं आ रहा। चार भुजा है, कौन? चार भुजा देव। उदयपुर में मंदिर है इनका, चार भुजा देव इनके आराध्य देव। अब देखो एक और है, चार भुजा नाथ का मंदिर। किसका? चार भुजा नाथ का मंदिर। ये मंदिर जो है ना, चार भुजा नाथ का मंदिर, बावल माता का मंदिर जो मेड़ता में पड़ता है, दधीमती माता का मंदिर जो गोठ मांगलोद में पड़ता है, और इसके अलावा जो पड़ता है सचिका माता का मंदिर, ये नागौर में है। सचिया माता जोधपुर की है, सचिका नागौर की है। तो ये चार भुजा भी यहाँ पर है। यहाँ पर ऐसी तीन प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा मीरा की है, एक प्रतिमा मीरा के गुरु रेदास की है, एक प्रतिमा तुलसीदास की है। रेदास, तुलसीदास, मीरा, इनकी आदमकद प्रतिमाएं पड़ी है चार भुजानाथ के मंदिर में। ये मेड़ता में राव दूदा ने बनाया था, जो मीरा के क्या थे? दादा थे। राव दूदा और दादा रतन सिंह मीरा के क्या थे? पिताश्री थे, जो सांगा के साथ गए थे लड़ने के लिए। कहां पर? खानवा के अंदर, सामने बाबर था और लड़ते लड़ते युद्ध में मारे गए थे। इनके पति का नाम भोज था, जो मालवा का ही बेटा था, मालवा का नहीं सांगा का बेटा था। तो इस प्रकार ये कौन थे? चार भुजा, चार भुजा क्या है? देव। ये कौन है? चार भुजा देव, आराध्य देव। तीसरी है, इनकी कुल देवी कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, कुल देवी कौन सी है इनकी? तो इनकी जो कुल देवी है उसका नाम है बाण माता। बाण माता इनकी कुल देवी रही है। अब देखो, सिसोदियों की कुल देवी बाण, बाण सामने लिया उन्हीं में तो सिस्कने लग जाए लोग। अब देखो, एक तो आवे बाण माता, एक आवे बाण गंगा माता, और एक आवे गंगा माता। आन ध्यान रख क्या है, कंफ्यूजन में डालेगा थन ज्यादा।
बाण माता उदयपुर किंग ही है, सिसोदियों की कुलदेवी है। बाण गंगा है ना जयपुर में है, बाण गंगा नदी पर, बाण गंगा वो नदी जिसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंटित नदी कहते हैं, अर्जुन ने बाण से निकाली थी अपनी। गंगा नदी जो है ये भरतपुर में है, ये भी उसी नदी पर है। कौन सी नदी? बाण गंगा पर। आप कमेंट में मेरे को आंसर दो, जल्दी दो, मैं आंसर अभी दे रहा हूं, प्रश्न दे रहा हूं, जल्दी आंसर दो कि गंगा माता का मंदिर दो मंजिली इमारत पर स्थित है, कितने खंभों पर स्थित है? जल्दी आंसर दो। हाँ, सभी के आंसर देख रहा हूं, जल्दी आंसर दो कि गंगा माता भरतपुर में है, दो मंजिली इमारत पर इनका मंदिर है, कितने खंभों पर है? जल्दी आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने देख लिया कि कुल देवता आराध्य देव और कुलदेवी, ठीक है। अब देखो हम आगे जाते हैं, आगे हम कहाँ जाते हैं? बप्पा रावल को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब देखो बप्पा रावल को आगे कहाँ ले जाते हैं, 734 ईस्वी की बात कर लेते हैं। 734 ईस्वी में क्या हुआ, ठीक है? 734 ईस्वी में हुआ युद्ध, और युद्ध किससे हुआ? वो हुआ मानमोरी से। और जब मानमोरी से युद्ध हुआ तो बप्पा रावल जीत गया, मानमोरी हार गया। हाँ, मानमोरी कौन था? अभी बताता हूं मानमोरी कौन था। बिल्कुल राइट है, इस पर चर्चा करते हैं कि मानमोरी कौन था। अब देखो क्या हुआ, ये एक नदी पड़ती है और एक नदी इधर से ये आ रही है, किधरों आवे गुरु जी? आवे मालवाऊ, आ आ मालवाऊ आवे, ठीक है। आ किन्नू आवे? आ आवे उदयपुर। इंगो नाम है बेड़च, और इंगो नाम आवे गंभीरी, किसी बीरी गंभीरी आवे। अब दोनों के संगम पर अट्ठे एक पठार फैलड़ो है, बी पठार को नाम है मेसा पठार। कौन सा पठार है? मेसा पठार। अब मेसा पठार कटे गुरु जी, ओ चित्तौड़ में पड़े। एक बात ध्यान रखिया, चित्तौड़ में चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़ में चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के संगम पर है, लेकिन चित्तौड़ जिला किस नदी पर है? वो बेड़च नदी पर है। यहां पर यह चित्तौड़ जिला है और ये चित्तौड़ दुर्ग है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि इस दुर्ग मेसा पठार पर ये दुर्ग है। हाँ, कि और दुर्ग? हाँ, बिल्कुल सही है जी। आए कहा कि पहाड़ी किसी आ गई? त्रिकूट पहाड़ी आ गई। लो, त्रिकूट पहाड़ी पर कौन सा है? जैसलमेर का किला। और पहाड़ी आ गई जैसे हलदेश्वर पहाड़ी, यहीं पर किसो है? बाड़मेर आलो शिवाना है। और आगे किसी जैसे सुवर्णगिरी आ गई, तो यहीं पर किसो है? जालोर को किलो। और किसी आ गई? और आ गई नानी सिरड़ी, और नानी सिरड़ी डूंगरी, और ये डूंगरी कहाँ पर है? ये डूंगरी है सोजत के अंदर, इस पर सोजत का किला है। और देख लियो, लो जी देवगिरी, देवगिरी पर किसो है? दोसा का किला है। और देख लियो, और किसो देखोगा थे? त्रिकूट आ गया। और देख लो जैसे चिड़िया टूंक, देख लियो चिड़िया टूंक, इन पर किसो है? इन पर मेहरानगढ़ है। तो त्रिकूट है, हल्देश्वर है, सुवर्णगिरी है, नानी सिरड़ी है, देवगिरी है, चिड़िया टूंक है। इसके अलावा देख लो जैसे बीठड़ी है, बीठड़ी जिस पर तारागढ़ अजमेर वाला है। तो ये बहुत सारी पहाड़ियां हैं, अरावली में पहाड़ियां पड़ती है। पहाड़ी पर जो भी दुर्ग होता है, गिरी दुर्ग होता है, गिरी का अर्थ है ऊंचाई साथ। जब भी ये दुर्ग करवाऊंगा आपको कला संस्कृति में, देखना कितने आसान तरीके से आपको, बस इसी एक बार देखो और आसानी से याद होगा। तो मेसा पठार पर ये दुर्ग शुरू करवा दिया। अब सातवीं शताब्दी की बात है, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो क्यों कि सातवीं शताब्दी में एक मौर्य शासक हो, किसो? मौर्य शासक हो, और बी मौर्य शासक हो के नाम आन लाग रहे हो, बिंगो नाम आन लाग रहे हो। एक तो कुमारपाल के लाग रहे हो कि बिंग नाम की हो, कुमारपाल अलग ही आपको मत देन लाग रहे हो। और कुमारपाल क्या कह रहा है कि उसका नाम था, उसका नाम था चित्रांग मौर्य था। क्या नाम था उसका? चित्रांग मौर्य बतावे हो तो। लेकिन आप कुछ इतिहासकार, अन्य इतिहासकार ये बता रहे हैं कि उसका नाम तो चित्रांगद मौर्य था। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य।
अब देखो ओ आपा पढ़ ली, इन्हें गंभीरी नदी पढ़ ली, इन्हें बेड़स पढ़ ली, बीच में मासन पढ़ लियो, अब मोसो बीच में आयो, लोगों तोड़ दियो, बिल्कुल सत्य बात है। सातवीं शताब्दी में एक मौर्य शासक को भी नाम कियो चित्रांग मौर्य, और चित्रांग कुमारपाल तो चित्रांग मौर्य कह रहा है, लेकिन चित्रांग मौर्य अन्य इतिहास का। ये दुर्ग सभी श्रेणियों में आता है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो सभी श्रेणियों में नहीं आता। कमेंट करना किस श्रेणी में नहीं आता, हाँ जल्दी कमेंट करना किस श्रेणी में नहीं आता। ये नहीं आता दानव दुर्ग की श्रेणी में, दानव का अर्थ होता है चारों ओर रेत, ये उस श्रेणी में नहीं आता, बाकी सब श्रेणियों में आता है, आठ श्रेणियों में आता है, नौवीं श्रेणी दानव दुर्ग है उसमें ये नहीं आता। करवा दिया इसने निर्माण, जब इसने निर्माण करवाया तो इसने क्या किया, पहला मंदिर बना दिया, एक तो गणेश जी को मंदिर बनाया तो गणेश पोल के दियो भी ने, ठीक है, फिर कियो के गणेश जी के सागे राम आवे गोइण राम पोल बनवा दियो, अटे राम मंदिर, गणेश मंदिर, राम मंदिर, फिर लक्ष्मण कर ला गयो लक्ष्मण मंदिर तो लक्ष्मण पोल, फिर क्या अंग दोनों अंग जोड़ांग बना दिया और जोड़न पोल जोड़ेगा बना दिया, और जोड़े हूँ बाद में के करियो कि एक हनुमान जी ले आया हनुमान पोल, और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर गए, बोलियो पाड्डा लियाओ दो चार पांडू पोल, और पांडू के बाद में इनके करियो भैरव पोल ने लिया, एक इत्ता पोल हो गया, एक गणा ही हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात पोल है, पर सात पोलों से प्रवेश करना पड़ता है, साथ ही साथ दरवाजा है, देखो गेट दरवाजा कैन पोल खुल गई, मानो दरवाजो खुल गयो। तो पहली गणेश जी को मंदिर बनायो, फिर राम को मंदिर, लक्ष्मण को है बोली जोड़ा है, जोड़न को पोल बना दियो, फिर अंग सागे हनुमान जी ने ले गए पांडू करके भेरू कन उठियो, ठीक है तो बना दिया, अटके बना दिया। अब देखो एक चीज और देख लियो थोड़ी सी इंग बारे में, इन बनाई दियो तीन देख लिया आप थोड़ा सो, बाकी आप दुर्गा में पढ़ांगा। इंगो एक आवे मुस्लिम नाम, इन पर इस बात पर ध्यान देना, मुस्लिम नाम चित्तौड़ दुर्ग का क्या आवे, खिजराबाद आवे, लो जी खिजराबाद किंगो नाम आन लाग रहे हो, खिजराबाद मुस्लिम नाम आन लाग रहे हो चित्तौड़ दुर्ग को। अब देखो के औजद खिजराबाद नाम आन लाग रहे हो तो थारू पर्सन है मोमिनाबाद किंगो नाम है, मोमिनाबाद ओ भी मुस्लिम नाम है किंगो है, फिर थारू नाम है खेराबाद मुस्लिम नाम है किंगो है, बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम नाम, फिर थारू है जलालाबाद किंगो है मुस्लिम नाम जलालाबाद, फिर थारू पर्सन है कि मुस्तफाबाद किसका है मुस्तफाबाद ओ किंगो नाम है, फिर थारू एक और पर्सन है कि सलीमाबाद किंगो उपनाम है, लोच ए उपनाम बताओ थे किंग आए, पहलो मोमिनाबाद किंग उपनाम है, खेराबाद किंग है मुस्लिम, जलालाबाद मुस्तफाबाद और सलीमाबाद, मोमिनाबाद किसका उपनाम है। अब प्रश्न आएगा सामने सुमेलित करने वाला, जल्दी कमेंट करो, मैं तो आपको दुर्गों में बताऊंगा, जल्दी कमेंट करके आंसर दो आप, हाँ जल्दी कमेंट। खिजराबाद चित्तौड़ का नाम है, कहाँ मिला, खिजराबाद मिला है दाई बाबा पीर की दरगाह है, किसकी, दाई बाबा पीर की दरगाह, दाई बाबा पीर की दरगाह के अभिलेख में प्राप्त चला है हमें, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दाई बाबा पीर की दरगाह कहाँ पर है, दाई बाबा पीर की दरगाह में पता चलता है चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद है, हाँ ओ पतो चालियो। अठे एक और है नौगाजा पीर की दरगाह, नौगाजा पीर की दरगाह और है इस किले के अंदर, तो दो तो दरगाह होगी दाई बाबा और नौगाजा, बहुत सारी छत्रियां हैं जैसे कल्ला जी राठौड़ की छत्री है, बाघ सिंह जी की छत्री है, रेदास की यहाँ पर छत्री है, और मीरा का मंदिर है तुलजा भवानी माता उसका मंदिर है जो शिवाजी की कुलदेवी थी, हाँ ये आपको पता होगा, ये पता चला, सभी के आंसर देना कमेंट में मेरे को, जल्दी आंसर दो कि ये मुस्लिम नाम किनके, एक प्रश्न पक्का आपका मुस्लिम नामकरण और एक तरफ जिले सुमेलित करने वाला आएगा देखना। अब देखो, अब इन्हें सत्यों का देश कहते हैं, सत्यों का मेला, एकमात्र मेला भरता है सत्यों का मेला यहां पर, और उस सत्यों के मेले को हम कहते हैं जोहर का मेला, क्या कहते हैं जोहर का मेला, गुरु जी जोहर गो मेलो क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जोर यहीं हुए, सबसे ज्यादा राजस्थान में जोर यहीं हुए, जोर का मेला कहते हैं इसको,
या जोर का मेला कब लगता है? ये लगता है दोस्तों चेत के अंदर, जोर हो गयो तो अंधेरो तो ही है, तो चेत को कृष्ण पक्ष हुआ है, जोर होते ही चेत तो आयो, और एक और दस, एक का दसी के दिन जोर का मेला भरता है यहाँ पर। सबसे ज्यादा जोर यही हुए, साके सबसे ज्यादा चित्तौड़ दुर्ग में ही हुए, इसी में जिसको हम पढ़ रहे हैं। सतियों की देवलियां यहीं पर निकली, देवली पत्थर की मूर्ति सी निकलती है। सतियों की पगोतियां जैसलमेर में निकली हुई है, निकली नहीं है, जब जोर करने जाती थी तो पैरों के निशान थे, पदचिन्ह, उनको क्या कहते हैं? पगोतियां कहते हैं। राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट ये, अब लिविंग फोर्ट क्या है, जिसमें लोग निवास करते हैं, जैसलमेर सबसे बड़ा है, ये दूसरा बड़ा है, और जोर का मेला यहां पर भरता है इस दिन। तो बताइए सती माता का मेला कहां भरता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। सती माता का मेला झुंझुनू में भरता है, कब? भाद्रपद की अमावस्या को। कौन थी? गुड़सालव अग्रवाल की बेटी थी, मैमगा मिसान की रहने वाली थी, बचपन का नाम ही नारायणी बाई था। अग्रवाल लोग इन्हें बहुत पूजते हैं, दादी जी प्रेम से कहते हैं। 1652 में सती हुई थी पति धनदास के साथ, और धनदास का नाम बदल दिया, देखो पत्नी हो तो ऐसे नाम बदल दिया, और नाम रख दिया, अब नाम क्या इतिहास में, तन मन धनदास, कि मैं तन से मन से धन से तेरे साथ सती होगी 1652 के अंदर, ठीक है। अब सती आ जाए तो बताओ थे कमेंट करके जल्दी कि राजस्थान की पहली सती किसी है, पहली सती किसी है, और राजस्थान में अंतिम सती किसी है, पहली सती और अंतिम सती, जल्दी कमेंट करो जल्दी। पहली सती है राम राम संपल कंवर, और अंतिम सती कौन सी है? रूप कंवर। पहली सती संपल कंवर और अंतिम सती है रूप कंवर। हाँ, सबसे बड़ी सती उमा दे, वेरी गुड, महासती कहते हैं उसको। तो पहली सती सपल कंवर, अंतिम सती रूप कंवर। जोर का मेला भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी को, सती का मेला झुंझुनू में भरता है, और बता दिया महमगांव की थी, अग्रवालों की कुलदेवी है ये 1652 के अंदर। विश्व का एकमात्र सती मेला है, हाँ, धनमन धन तनमन धनदास के साथ सती हुई थी, सॉरी। हाँ दोस्त, ये हमने पढ़ा कुछ दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, कब की बात है कि मान मौर्य ने ये दुर्ग बनाया, मान मौर्य ने नहीं, चित्रांगद मौर्य ने बनाया, तो मान मौर्य तो अभी बप्पा रावल के सामने आएगा। अब इस चित्तौड़ में क्या है, ये चित्तौड़ दुर्ग है, और इस दुर्ग में मान मौर्य अंतिम शासक है। अब जब मान मौर्य अंतिम शासक था यहाँ पर, तो क्या हुआ कि मान मौर्य पर इधर से यहाँ पर आए कौन? बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने क्या किया कि हरित ऋषि कन गयो, और हरित ऋषि कन गयो तो ऋषि है, तो ऋषि ने दिया इसको आशीर्वाद, और आशीर्वाद लिया, सूर्य को प्रमाण किया, और सूर्य को प्रणाम करने के बाद इसने गुरु को प्रणाम किया, और आप बिड़ा किससे? मान मौर्य से। जब मान मौर्य से बिड़ा तब 434 था, मान मौर्य हार गया, इसने अधिकार चित्तौड़ पर करके नागदा को राजधानी बनाया था। लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, बप्पा रावल की मृत्यु भी नागदा में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, रावलपिंडी शहर पाकिस्तान में बसाया था इसने, हाँ, और गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक है, इस चीज पर ध्यान आप। हाँ, ये था आपका कौन सा? बप्पा रावल। बहुत अच्छा लगा होगा बप्पा रावल आपको। अब देखो और आगे जाते, बप्पा रावल के बाद का शासक कौन है? नागदा को इसने राजधानी बना ली, मृत्यु उसकी नागदा में। अब आता है अल्लट आलू राम, अल्लट बीन के आलू। लो जी, अब अल्लट बाजी पल्लट इस पर बात करते हैं। अल्लट ने क्या किया कि आलू है, आलू है तो बताओ व्यापार होगा, और लो जी आलू को व्यापार करांगा, व्यापार का केंद्र बन गया था मेवाड़, आलू को व्यापार करांगा और क्या कोई कौन करा, व्यापार को केंद्र बन गया मेवाड़, अल्लट ऑल टाइम। आलू को व्यापार करते ही नौकरी मिल गई बस, तो नौकर साई पर था, सब पहली नौकरी नहीं राख्यो, नौकर साहिब पर था इसने शुरू कर दी थी, नौकर रखने वालों काम ही नहीं करियो, क्यों रखियो नौकर वो बताऊं था ना, अभी इसकी होगी शादी, और इसने शादी भी हरी भरी के साथ की, हरिया देवी
और ये अरिया देवी हूण राजकुमारी थी और हूण अपने आप में बहुत बड़े आक्रमणकारी थे। और अरिया देवी से शादी कर ली तो अरिया देवी से शादी किए बाहर की देवी है, और ये देवी शादी की और ये हो गया विदेशी विवाह। कौन सा? विदेशी विवाह हो गया। मिलन की घड़ी, मिलन की घड़ी कब हुई दूर? ये मिलन की घड़ी इसकी तो दूर होगी, इसको तो अरिया देवी मिल गई, लेकिन अरिया देवी मिलते ही इसको नौकर रखना पड़ा। और ये उस बार की बात है, तो वरा मंदिर बनाया था इसने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। वरा मंदिर कहाँ बनाया था इसने, ये अति इंपॉर्टेंट है। वरा मंदिर इसने बनाया था येरा मंदिर नागदा के अंदर, नागदा में, नागदा में इसने वरा मंदिर बनाया। वरा कौन था? भगवान जो विष्णु जी थे ना, विष्णु जी, भगवान विष्णु जी, उन विष्णु का तीसरा अवतार था ये। कौन सा अवतार था? भगवान विष्णु का तीसरा अवतार जो था ना, वो वरा ही था। अब भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, सूअर जैसे था, हाँ बिल्कुल, धरती पृथ्वी को उठा रखा है सूअर जैसी आकृति के अंदर भगवान विष्णु ने, सूअर जैसी आकृति में आक्रमण, ये अवतार लिया था, वरा मंदिर बनवाया था इसने, ये था आपका लूरा। हाँ थोड़ा सा हम बैक जाते हैं तो लकुलिश पर जाते हैं। मैंने आपको प्रश्न दिया था कि लकुलिश संप्रदाय जो है उसके बारे में, लकुलिश संप्रदाय अभी चल रहा है काम पर उस मंदिर में, जिसका मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, नाम क्या है? एकलिंग जी। एकलिंग जी का जो मंदिर है, उस एकलिंग जी के मंदिर में क्या होता है कि लकुलिश संप्रदाय चल रहा है। लकुलिश ऋषि था, लकुलिश क्या था? लकुलिश बहुत बड़ा क्या था? ऋषि था। देखो जब लकुलिश ऋषि था, भगवान शिव का 28वां अवतार है ये, भगवान शिव का वास्तविक रूप 28वां लकुलिश है। और इस लकुलिश संप्रदाय का वैसे नाम है पशुपति, पशुपति, पशुपति है इसका नाम। हाँ लकुलिश संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर, सूडा, हाँ सुंदा माता के मंदिर में मिलती है इनकी मूर्तियाँ, भगवान शिव जी का मंदिर है। तो ये थे कौन आपके? ये थे हमारे अल्लट जी। अल्लट जी के बारे में नौकरशाही प्रथा चालू हो जाती है, विदेशी विवाह अल्लूराम ने कर दिया। अब देखो आ गया सामंत सिंह जी, एरिया सामंत सिंह जी, सामंत सिंह जी, लो जी, सामंत सिंह के समय अजमेर में था कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इधर कौन है? जालौर में है कीर्तिपाल। लो जी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्तिपाल है, सामंत सिंह है और पृथ्वीराज तृतीय। अब देखो पृथ्वीराज तृतीय की बहन थी जिसकी नाम, जिसका नाम था पृथ्वीबाई, पृथ्वीबाई की शादी सामंत सिंह के साथ होगी। सामंत सिंह पृथ्वीराज का क्या हो गया? ये हो गया जीजा, सामंत सिंह पृथ्वीराज का जीजा हो गया। ठीक है, यहां पर हरियाणा में पड़ता है तराइन, और तराइन में आपको पता है 1191 और 1192 में युद्ध होने वाले हैं, तराइन का फर्स्ट, उपतराइन का सेकंड। तब इस युद्ध में सामंत सिंह मारे गए थे, यहां पर आके यहां मारे गए थे सामंत सिंह जी। और कीर्तिपाल ने क्या किया था कि इस पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ इसे छीन लिया था। क्यों छीना था? क्योंकि कीर्तिपाल और पृथ्वीराज का बहुत बड़ा पुराना विवाद था, इस विवाद को सुलटाने के लिए इसने इसके जीजा को सुलटाया। देखो विवाद कभी नहीं करना चाहिए, देखो विवाद किसके बीच में है और नतीजा देखो कौन भुगत रहा है, कौन किसको भुगतना पड़ रहा है, जीजा को बहन दे दी और साथ में चित्तौड़ भी देना पड़ा, देखो लोगों को दिया या नहीं दिया। तो आज की क्लास में बस इतना, और आगे वाली क्लास के लिए आप तैयार रहना, कल मैं फिर आपके सामने। जय भारत दोस्तों, जय भारत माता की।